हाँ सर। रेडी? हाय, करेक्ट, जयद्रथ व्यास। गुटर रू की वो मूछ कलम, नहीं वो तो बाद में लगते हैं, वो गम से छिपकाते हैं। नहीं, आज मैं यहाँ कोई डॉक्टर का किरदार कर रहा नहीं है, लेकिन आज मेरी खुद की आदत ही वैसे बहुत खराब थी। यहाँ प्रॉब्लम था दांत में, मैं परेशान था कि यार ये वो क्या कहते हैं सर, एनेस्थेसिया ना, वो एनेस्थेसिया इंजेक्शन, फिर खींचना, फिर लगाना। शूटिंग में तो मैं डॉक्टर का रोल कर लेता हूँ, प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा डर रहा था। एक दिन दोस्त के साथ ही मैं यहाँ आया और सर ने बिठाया उनको और बात कर रही, मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं एक्टर हूँ ना, ऑब्जर्व करता हूँ कि कभी मुझे ये करना पड़ा तो मैं कैसे करूँगा। 5 मिनट के अंदर चलिए, मैंने बोला सर वो इनका, बोले हो गया। मैंने बोले ये चिल्लाए नहीं, रोए नहीं, कुछ भी नहीं। बोले नहीं कुछ भी नहीं। और सर तो फिर मुझे भी जरा देख लीजिए ना। और मैं बैठ गया और उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, ये कुछ 10 दिन बाद 12 दिन बाद आवाज आई। और मुझे ऐसी ट्रीटमेंट मिली सर, ऐसी ट्रीटमेंट मिली, मुझे पता ही नहीं चला कि अंदर क्या कैसे उन्होंने क्या कर दिया। ये देखिए परफेक्ट, ऐसा तो सर मेरे ओरिजिनल दांत भी नहीं थे ऐसा कभी। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, कोई भी समस्या, कोई भी टीथ की, सिर्फ एक ही नाम है, गिरीश खंडेलवाल। आप यहाँ आइए, सर से मिलिए। और एक और बात, ये थोड़ी इमोशनल, मैंने इनको और पेशेंट के साथ बात करते हुए देखा है। मैंने, मुझे पता नहीं, ये इतना उनकी, ये ऐसे सोचते हैं कि जैसे ही मेरे, मतलब मेरे परिवार का, मेरे घर का मेंबर है, मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, ऐसे कंधे पे आते हैं, उनको समझाते हैं ये जरूरी नहीं है, मत कीजिए इतना। मैं सर, थैंक यू सर, सर सर सर, आप गिरीश खंडेलवाल मतलब भूल जाइए बस, आप ऑल द बेस्ट।